हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आया हूँ दोस्तों नागपुर के बकरा मंडी में। देख सकते हैं ये जो कि आपको बकरा मंडी दिखाई दे रही है, जो कि आपको मिलने वाली है कलमना मार्केट में। ठीक है, कलमना मार्केट का जो मेन गेट है उसके आगे वाले गेट में आपको मिल जाएगा। देख लीजिए चारों तरफ आपको यहाँ पर पूरे जो है बकरों की नीलामी यहाँ पर दिखाई देंगी। इस तरह से माहौल है, देख लीजिए सब बकरे भर भर के लेके जा रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं आगे में हम लोग। देख लीजिए गाइस यहाँ पे पूरी नीलामी चल रही है, दिखाई देंगे आपको पूरा यहाँ से। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे मिनिमम आपको 5,000 रुपए से मिल जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे बड़े वाले हैं, देखो बड़े वाले रखे हुए हैं इधर में, देखोगे आप छोटे वाले बकरे पूरे रखे हुए यहाँ पे। और जो बकरे हैं 5,000 से लेके 10,000 तक आपको मिल जाएंगे। देख लीजिए सभी, देखो बड़ा वाला भी रखा हुआ है यहाँ पे। देखो चारों तरफ आपको बता देता हूँ मैं। वैसे तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो गाइज, काफी दिनों के बाद मैं बकरा मंडी में आया हूँ। पहले जो है मोमिनपुरा में भरता था ये सेम मार्केट। देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैं आया हूँ आपको जो है। देखो ये वाला जो बकरा है 12,000 रुपए का बोल रहे हैं, ये वाले पूरे ये 6,000-6,500, 7,000 कुछ इस तरह से आपको मिलने वाले हैं। 2,000 रुपए का भी यहाँ पर मिल जाएगा। देख लो यहाँ से पूरा दिखाई देगा, यहाँ से 2,000 वाले भी मिल जाएंगे आपके यहाँ पर। तो बहुत सारी वेरायटी है, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, उसके बाद ही जो भी बार्गेनिंग वगैरह है वो आपको करना पड़ेगा। देख लीजिए पूरे लाइन से यहाँ पे खड़े हुए हैं पूरे। देख लीजिए बहुत बड़ा, पूरा आपको चारों तरफ दिखाई देगा, वहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। देखो पूरा गोल इसमें पूरे रहते हैं, जैसे अपना मोमिनपुरा में यहाँ पे रहता था पहले। देख लेंगे इस तरह से, ये देख लीजिए पूरे रखे हुए। तो देख सकते हैं मैं यहाँ से चल रहा हूँ आगे में। देख लो यहाँ पे उनके जो मालिक लोग है जो नीलामी करने के लिए आए वो लोग भी बैठे रहते हैं। और एड्रेस जो है मैं आपको बता दूंगा किस तरह से है। जैसे मैंने आपको कलमना मार्केट का बताया था, कलमना का जो मेन मार्केट मेन गेट है वहाँ उसको छोड़ के उसके आगे वाले गेट में आपको आना है, तो ये मिल जाएगा ये थोड़ा सा आगे। देख लो इस साइड तो है ही, इस साइड भी आप देखोगे तो इधर भी आपको दिख जाएंगे। ये देखो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े वाले बकरे भी है इस तरह से रखे हुए। देख लीजिए यहाँ पे आपको 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये इस तरह से यहाँ पे मिलने वाला है सिंगल बकरा। ये देखो पूरा रखेंगे। ये देखो मैंने आपको वहाँ से बताना चालू किया, वहाँ से बताया दूसरी लाइन बताया, और ये वाली एक लाइन आपको दिखाई देंगे। ये देखो ये एक लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से, ये देखो। और उस साइड में भी आप देखोगे इधर भी भरा हुआ है, यानी पूरा गोल आपको बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे एंडिंग हो जाता है, उधर में पूरी गाड़ियाँ रखने की व्यवस्था की हुई है पूरी। ये देखो इस तरह से पूरी गाड़ियाँ भर के लोग लेके जाते हैं जैसे बताया मैंने आपको। ये देखो ये देखिए पूरे लाइन से यहाँ पे खड़े हैं, अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे पूरे। देख लो ये देख लीजिए बकरा मार्केट। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको गाड़ियाँ रखने की व्यवस्था रखी गई है, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। और मैं आपको प्रॉपर जो है गेट बता देता हूँ, देखो वो दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ना ये गेट, यहाँ से आपको आना है। और मैं जाते जाते भी आपको बता दूंगा कि कलमना मार्केट का कौन सा वाला गेट है ये। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो, और नेक्स्ट टाइम मैं पूरा जो ऑनर है उनसे बात करूँगा और पूरा आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ और आपको पूरा बता देता हूँ। सो गाइस ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है यही जो है मेन गेट है, यहाँ से आपको जो है एंटर होना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखोगे पूरा आपको मार्केट दिखाई देगा। ये देखो ये पूरा मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, बकरा मंडी के नाम से जाना जाता है। तो गाइस देख सकते हैं ये है मेन गेट, और आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक रेलवे क्रॉसिंग। और ये वाला जो रास्ता है ये कलमना के लिए, वहाँ से हम लोग इस साइड में आए हैं, तो वो फर्स्ट गेट रहेगा, ये अपना जो है सेकंड गेट रहेगा। देख लीजिए ये एड्रेस है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ये है कलमना का मेन गेट, बस आपको इस साइड में जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पर अपना जो वीडियो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जो बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नागपुर के ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनते रहेंगे जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।